हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो जहाँ से ब्लॉग को ख़त्म किया था वहीं से ब्लॉग को फिर से शुरू कर दिया है। तो आज हमारे यहाँ जो रस्में होंगी वही आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। तो आज दिन था मंगलवार का और तारीख थी 6। तो यहाँ पर सबसे पहले जो रस्म थी वो मंडप हटाने की, वो हो चुकी है। यहाँ पर मंडप हट चुका है और खम्भ भी हट चुका है। बस ये सारी चीज़ें बड़ी अम्मा रख रही हैं तसले में और ये सारी चीज़ें लेकर चलेंगे बगिया को। वैसे तो ये रस्म होती है जो कंकन खुलवाने की रस्म होती है, ये ताल पर होती है गाँव में, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी परिवार से ताल पर नहीं जाता है तो बगिया में ही ये रस्म कर ली जाती है। क्योंकि ताल काफ़ी दूरी पर है तो सभी ने कहा कि चलो यहीं पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर कंकन ये खुलवाने की रस्म हो रही है। वैसे तो कंकन ताल पर ही खुलवाया जाता है, लेकिन वहाँ पर सभी लोगों ने कहा कि चलो यहीं पर खुलवा दो, उसके बाद में ही चलते हैं। और एक रस्म होगी जो सभी के यहाँ होती है, अंगूठी ढुड़वाने की रस्म, लेकिन हमारे यहाँ ये रस्म नहीं होती है तो दूसरी रस्म की जाती है। एक बड़ी सी मछली बना ली है और तीर बना लिए हैं। ये जो है ना कि मछली को थाली में जो है ना कि चलाई जाएगी, जो दुल्हन होती है वो इसको मछली को चलाएगी और जो दूल्हा होता है इसमें तीर मारेगा। तो यहाँ पर वही वाली ये रस्म हो रही है। तो अंगूठी ढूंढवाने वाली रस्म हमारे यहाँ नहीं होती है तो उसी की जगह पर ये वाली रस्म होती है। तो हमारे साथ भी ये वाली रस्म हुई थी। जैसे है ना कि जब से शादियाँ हमने यहाँ पर देखी हैं सभी के साथ में ये वाली रस्म होती है। और उसके बाद में एक रस्म और होगी, कई रस्में आज के दिन हुई थी, वो सभी रस्में आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। और सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो भी सात सुहागिन थी जिन्होंने घान से लेकर सभी रस्में की हैं, वो लोग भी थी। तो आज भी वो लोग सभी रस्में ये पूरी कराकर उसके बाद में फिर सारी रस्में हो जाएंगी शादी की। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से ये वाली रस्म की जाती है, आप सभी देख सकते हैं। तो सारी रस्में आप सभी के साथ में हम शेयर करेंगे ब्लॉग में, आप सभी बने रहिएगा। और बहुत ही प्यारा ब्लॉग है आज का, क्योंकि आज बहुत ही मस्ती सभी ने की थी और खासकर दूल्हा और दुल्हन ने। तो यहाँ पर ये वाली रस्म जो है ना कि भाभी कराती हैं, जो लड़के की भाभी होती है, दूल्हे की भाभी। तो यहाँ पर ये आटे का गोला बना लिया है और इस तरीके से यहाँ पर दीदी जो है ना कि ऊपर की साइड में ले जाती हैं और ये लोग पकड़ते हैं कि कौन ज़्यादा बार पकड़ पाएगा कौन कम बार। तो दीदी ने यहाँ पर थोड़ी सी चीटिंग भी कर दी थी क्योंकि अपनी देवरानी को जिताने के लिए, तो दीदी ने ज़्यादा बार ही इस गोले को पकड़ लिया था। और ये वाली रस्म हो चुकी है। उसके बाद में अब हम लोग चलेंगे जो होती है बगिया में रस्म, जो मंडप होता है उसको बड़ी अम्मा लेकर गई हैं सबसे आगे, वहीं पर सिरवाएंगी। और साथ में दूल्हा दुल्हन सभी लोग जाएंगे, जो भी घर परिवार के हैं, रिश्तेदार हैं, तो सभी लोग चलेंगे और यहाँ पर हम भी चल रहे हैं। तो हम अपना ब्लॉग खुद से ही बना रहे थे तो इसी वजह से हम नज़र नहीं आ रहे हैं, और देवरानी जी का हमारी नंदत जी बना रही थी, क्योंकि कोई ना कोई बनाने वाला होता तो नज़र आते आप सभी को। तो पीछे पीछे से हम भी चल रहे थे और बस बगिया में ही चलेंगे जहाँ पर हम लोग कपड़े पड़े धुलते हैं, यहीं पर बस पास में ही। वैसे तो ताल पर होती है तो ज़्यादा दूरी पर जाना होता है तो इसी वजह से ताल पर नहीं गए हैं सभी लोग। हमारी देवरानी भी नहीं ताल पर गई थी और हम भी नहीं ताल पर गए थे। वैसे और गांव में किसी के यहाँ शादी होती है तब ये वाली रस्म ताल पर ही करवाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ सभी लोग बगिया में ही कर लेते हैं। अच्छा लगता है यहाँ पर भी। और सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं तो यहाँ पर जो लकड़ी थी बांस की, उससे भैया ने 7 बार जो है ना कि लकड़ी छुआ दी है और दीदी ने छू लिए हैं भैया के पैर। तो ये रस्म यहाँ की ये वाली हो गई है। उसके बाद में मंडप भी सिरवा दिया था। और उसके बाद में यहाँ पर इन लोगों का ये नाच गाना हो रहा है, जो कि जो 7 सुहागिन होती हैं और साथ में दीदी को भी ले लिया है जो कि दुल्हन को। तो ये रस्म यहाँ पर 2-3 जो भी गीत जो भी गाए जाते हैं वो गाए गए थे। और उसके बाद में बड़ी अम्मा ने सभी को मीठा दिया था खाने के लिए। और फिर एक और रस्म हमारे यहाँ की जाती है, वो भी आप सभी को दिखाएंगे, जो सबसे लास्ट वाली रस्म। तो यहाँ पर लड्डू दिए थे बड़ी अम्मा ने, वही हम हाथ में पकड़े थे। आप सभी भी आ जाइए लड्डू खाने के लिए। वैसे तो पूरी बारात निकल गई है, आप सभी से तो मैंने बोला ही नहीं था। तो यहाँ पर लड्डू मिले थे तो आरोही ने आधा खाया था और बाकी के हमारे हाथ में थे।
और यहाँ पर जो ये कलश होता है जो मंडप के पास में रखा जाता है, सभी लोग मानते हैं कि इसको पकड़कर ऐसे बैठ जाओ तो ये घूमता है। तो मैंने तो ये नहीं किया है, लेकिन हमारे ननद जी ने किया था। जो भी आपकी मन्नत हो आपके मन में, वो इससे मांग सकते हो, वो पूरी हो जाएगी। अगर पूरी होनी होगी तो ये घूमता है, और वैसे अगर पूरी नहीं होगी जिसकी तो ये नहीं घूमता है, कुछ ये सभी लोग मानते हैं। तो दीदी ने भी इसको घुमाया था और हमारी ननद जी ने भी, तो ननद जी पर तो ये घूम रहा है, लेकिन हमने तो घुमाया नहीं तो हमें पता भी नहीं है कि घूमता है या नहीं। तो दीदी ने रखे थे हाथ, और हमारी ननद जी ने कुछ अपनी मन्नत मांगी थी। और यहाँ पर ये वाली रस्म कई लोगों ने जो है ना कि अपनी मन्नत मांगी थी और पूछा था इससे कि पूरी होगी या नहीं, और ये वाली भी रस्म हो गई थी। उसके बाद में हम आ गए थे घर पर, जो सुबह के टाइम कपड़े फैलाए थे, कल के ब्लॉग में आप सभी ने देखा था, बहुत सारे कपड़े हम लेकर आ गए हैं घर ही करने के लिए। और आज का ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा कि एक ही ब्लॉग में सभी चीज़ें आप सभी को दिखा देते हैं। तो ये सारे कपड़े घर ही करने हैं, और जो मैंने बिस्तर धुलकर डाले थे, कंबल डाला था और ये एक बिस्तर, वो भी सूख गया है, और चादर भी सूख गई है बेडशीट। तो ये भी बिस्तर हम बगिया से लेकर आ गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। तो मैंने कहा सारे कपड़े घर ही करके रख देते हैं और फिर जो है ना कि खाना बनाएंगे। तो अब तो दावत भी ख़त्म है। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि निमंत्रण बोला करो, दावत नहीं बोला जाता है। तो जी दीदी, लेकिन गांव में जो भाषा बोली जाती है वही हम आप सभी के साथ में शेयर करते हैं, क्योंकि गांव में यही होता है कि दावत है, तो दावत ही आप सभी के साथ में। बहुत जगह मैंने देखा है और बहुत जगह हमारी दीदियों के यहाँ भी दावत बोली जाती होगी या न्योता, तो वही हमारे यहाँ भी बोला जाता है। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है कि आपके यहाँ की शादी बिल्कुल बकवास है। तो गांव में तो शादियाँ इसी तरीके से होती हैं, वही आप सभी के साथ में शेयर की है, क्योंकि जो शहर में अलग ही तरीके से होती हैं, सभी व्यवस्थाएं अच्छे से होती हैं, लेकिन उतने अच्छे से गांव में नहीं हो पाती हैं। लेकिन जैसे भी हो पाती हैं बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि हमारे जो गांव की शादियां होती हैं वो कुछ अलग ही होती हैं। शहर में व्यवस्थाएं थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन पता नहीं, मैंने तो अभी शहर की कोई भी शादी नहीं देखी है, अपने गाँव की ही शादी देखी है। तो गांव में तो बहुत ही अच्छा लगता है, इस तरीके से सभी मेहमान आते हैं, कई दिनों तक दावत चलती है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इतने दिन तक तो खूब मस्ती की, बड़े बूढ़ों ने खाना बनाया, हम लोगों ने खाया, थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन अब लग गए हैं अपने कामों में, जो रोज़ के काम हैं, खाना पीना बनाने में और घर के कामों में। इतने दिन तक जो है ना कि घर के काम बहुत ही कम हो रहे थे और खाना पीना भी बहुत ही कम ही बना रहे थे। जो बड़े बूढ़े हमारे घर के होते हैं, बड़े बुजुर्ग, वो लोग खाना बना रहे थे, जैसे बुआ, बड़ी अम्मा, दीदी, ये सभी लोग, और जो भी रिश्तेदार थे वो भी बनवा रहे थे, थोड़ा बहुत हम लोग भी करवा रहे थे, लेकिन इतना नहीं। अब पूरी जिम्मेदारी हो गई है, जिम्मेदारी नहीं रहती है जब न्योता होता है, तब सभी बड़े जो होते हैं उन पर जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पर जो आलू मैंने सुबह के टाइम बुआ ने यहाँ पर डाल दिए थे, पापा लेकर आए थे, वही आलू अच्छे से सूख गए हैं। तो थोड़ा सा मैंने इनको हिला जुला लिया है, मिट्टी निकल गई है, अब बोरी में भरकर इनको रख देते हैं। तो सारे आलू मैंने भर दिए हैं और यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू। तो झाड़ू भी लगा दिया था, अच्छे से साफ़ सफाई कर दी थी, और उसके बाद में टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा था, फिर मैंने जल्दी जल्दी से यहाँ पर खाना बना लिया था। गैस पर ही खाना बनाया है, चूल्हे पर खाना नहीं बनाया है। तो बस अब गैस की पहले साफ़ सफाई कर देते हैं, और उसके बाद में बर्तन अभी धुलने बाकी हैं, तो बर्तन भी धुल देंगे, धुल कर रख देंगे, क्योंकि अगर अभी नहीं हम ये काम करेंगे तो सुबह के लिए छूट जाएंगे। और अब कपड़े जो है ना कि सबसे ज़्यादा धुलने को हैं, बहुत सारे कपड़े इकट्ठा हो गए हैं, और बिस्तर भी धुलने हैं, क्योंकि शादी ब्याह में वैसे तो नहीं गंदे होते, लेकिन बारिश हो गई है तो उसकी वजह से बच्चे भी थे और भी जो है ना कि इधर उधर से मिट्टी इट्टी लग गई है बिस्तरों में, तो बिस्तर हमें धुलने हैं। तो आज जो है ना कि आज तो बस मैंने थोड़े से ही धुले थे, लेकिन सोच रहे हैं कि थोड़े बहुत कल भी धुल देंगे, थोड़े थोड़े करके धुलेंगे, एक साथ में नहीं धुलेंगे, नहीं तो फिर थक जाएंगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब थक जाते हैं, तो थोड़े थोड़े ही काम करेंगे। और आरोही हमारी थोड़ा सा परेशान हो गई है, सर्दी लग गई है, उसको खांसी भी आ रही है और थोड़ा सा बुखार भी हो गया है। तो आरोही जो है ना कि इन दिनों में
परेशान है और साथ में आरब भी परेशान है। बच्चे परेशान हो गए हैं दावत के चक्कर में, शादी ब्याह के चक्कर में। एक दिन मैंने आरूही को नहला भी दिया था, शायद रविवार के दिन नहलाया था, और उस दिन धूप बिल्कुल भी नहीं निकली थी, तो इसी वजह से आरूही को फिर से लग गई है सर्दी। तो हम दवाई भी ले आए हैं आरूही के लिए। अभी पूरी तरह से फ़ायदा नहीं है, लेकिन फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि हल्का सा अभी हल्की हल्की सी खांसी आ रही है। वैसे जितनी खांसी आ रही थी उससे कम हो गई है। और यहाँ पर धुल देते हैं बर्तन, सारे बर्तन मैंने मांज लिए हैं, गैस पर के ही सारे बर्तन थे, तो धुलने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, बस जल्दी जल्दी से धुल कर रख देंगे। और छत पर तो कोई काम नहीं है, क्योंकि छत पर खाना सुबह थोड़ा सा जो है ना कि साफ़ सफाई वहाँ पर कर दी थी, और खाना हमारा यहीं पर सुबह का भी बना है और शाम का भी, मेहमान भी जाने वाले थे, तो छत पर कोई काम नहीं है। और इधर आप सभी से मिले हैं दूसरी सुबह 7 तारीख को, तो यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू। और अभी कुछ लोग उठे हैं रोज़ की तरह, कुछ लोग अभी नहीं उठे हैं, सो रहे हैं, क्योंकि इन दिनों में जिसकी भी नींद अभी पूरी नहीं है वो लोग आराम से सो रहे हैं। बोल रहे हैं कि मत जगाना, अभी नींद हमारी पूरी नहीं हुई है और जगाना भी नहीं चाहिए। वैसे भी हमारी नंदन जी के आँख में, आप सभी को बताया था कल के ब्लॉग में, हमारी नंदन जी की आँख में बहुत ज़्यादा जो है ना कि कंजिया निकली हैं। कंजिया आप सभी बहुत सारे दोस्त हमारे समझ सकते हैं, जो कि दाने छोटे छोटे निकल आते हैं, तो आँख एकदम से सूजी है और पूरा जो है ना कि चेहरा सूज गया है, क्योंकि वो 2-3 दिन बराबर से रात में जागती रहीं। हम तो कच्चे हैं नींद के, फिर भी थोड़ा बहुत ही जाग पाते हैं, ज़्यादा नहीं जाग पाते हैं, तो हम तो सो जाते हैं आराम से, लेकिन उन्होंने 2-3 दिन बराबर से जागती रहीं वो, तो इसी वजह से उनका जो है ना कि चेहरा एकदम से सूज गया है। और इधर आ गए हैं छत पर, जो कि सुबह के टाइम शायद मैंने यहाँ पर रोटी कल बनाई थी, ध्यान नहीं है, तो वही चूल्हे की पुताई अभी करनी बाकी थी, तो मैंने कहा चलो यहाँ पर चूल्हे की पुताई कर देते हैं। और कल शाम को आरोही को मैंने पीछे वाले घर में आग भी तपाई थी, लगभग 10 बजे के टाइम आग तपाई थी, तब जाके उसको थोड़ा सा फ़ायदा हुआ था। वैसे तो एकदम से उसकी आँख और चेहरा लाल हो गया था, तो अब थोड़ा सा फ़ायदा है, लेकिन आरोही अभी उठी नहीं थी, सो ही रही थी। तो यहाँ पर कर देते हैं चूल्हे की पुताई, और उसके बाद में जो हमारे घर के बाकी के काम रह गए हैं वो करेंगे, खाना पीने के, चाय नाश्ते के, बहुत सारे काम करेंगे। और अब तो जो है ना कि रोज़ के काम अब तो लगे ही रहेंगे, जो भी रोज़ के हमारे काम होते हैं। अभी 2-4 रस्में बाकी हैं, वो भी आप सभी के साथ में शेयर करेंगे, क्योंकि अभी जो चौथी की रस्म होती है वो भी अभी हमारे यहाँ होगी, तो उस दिन भी कुछ रस्में होती हैं, वो भी आप सभी के साथ में आगे ब्लॉग में शेयर करेंगे। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और उस दिन मैंने तेल पूजन वाले दिन हम तैयार हुए थे, हमारी दीदियों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए कि आप बहुत ही प्यारी लग रही हो, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कभी कभी मौका मिलता है तो सभी चीज़ें जो है ना कि जो भी चीज़ें हमारे पास हैं और अच्छे से तैयार होते हैं। और यहाँ पर पीछे वाले घर में भी मैंने साफ़ सफाई कर दी है, क्योंकि बुआ गई हैं मेला देखने के लिए, जो हमारे यहाँ मेला लगता है गंगा जी का, पंचाल घाट का, तो वहाँ पर गई हैं, मेहमान कुछ थे तो वो भी जा रहे थे मेला देखने के लिए, तो साथ में मेहमान ही लिबा जो है ना कि बोलने लगे कि साथ में चलो मौसी, तो बुआ फिर चली गई हैं, बुआ भी गई हैं और पापा भी गए हैं, तो इसी वजह से हमें आज ये पीछे वाले घर के काम करने पड़ रहे हैं। वैसे तो बुआ सारे काम कर लेती हैं, तो यहाँ पर जो पॉलीथीन बिछाई थी, उस दिन बारिश हुई थी, तो वो सारी पॉलीथीन मैंने इकट्ठा करके यहाँ पर सेट करके इनको अच्छे से रख दी हैं, क्योंकि जब दोबारा से बारिश होगी तो फिर से हमें ये पॉलीथीन बिछानी होगी। और वहाँ की साफ़ सफाई अच्छे से कर दी थी, और जो कूड़ा था वो भी मैंने तसले में भर लिया था और उसको डाल दिया है बगिया में। और फिर हम आ गए थे घर में, चाय नाश्ता बन चुका है, उसके बाद में मैंने सोयाबीन की बड़ी भिगो दी थी, और आज हम बनाएंगे सोयाबीन की बड़ी, और थोड़े से आलू भी मैंने कट करके रख लिए हैं, तो जल्दी खाना बना देते हैं। आरोही के पापा जाएंगे आज दुकान पर, कई दिन हो गए हैं दुकान बंद है, कल भी गए थे थोड़े टाइम के लिए गए थे, ज़्यादा देर तक दुकान नहीं खोल पाई थी, लेकिन आज वो बोल रहे थे कि जल्दी से खाना तैयार कर दो, हम जाएंगे दुकान पर, दुकान अब की बार नहीं अच्छे से खुल पाई है काम की वजह से,
घर में जब काम होते हैं फिर काम लगे रहते हैं, फिर दुकान पर जाने का बिल्कुल मन भी नहीं होता है, और घर में भी काम होते हैं बहुत सारे। तो यहाँ पर सोयाबीन की बड़ी छोटी छोटी सी है, आज बड़ी वाली नहीं है, आज छोटी छोटी वाली है। तो अच्छे से मैंने उनको फ्राई कर लिया है और फ्राई करके रख लिया है साइड में, और इधर हल्दी मिर्च डाल दी है, साथ में मिर्च डाल दी है जो कि पिसी हुई मिर्च, जो आरोही के पापा ने ये जो है ना कि मिक्सी में पीस कर रख दी थी, तो वही वाली चल रही है। और अच्छे से सारे मसाले भून लेते हैं, और टमाटर भून कर पीस कर रख लिए थे मिक्सी से, और प्याज को भी मैंने आज मिक्सी में ही पीस लिया था, तो थोड़ी सी जल्दी हो गई थी। हल्दी मिर्च हम ले आए थे सलवट्टे से पीस कर, और हल्दी ही सिर्फ पीसी थी, मिर्च पीसी भी नहीं थी, मिर्च तो मैंने पीसी हुई डाली है। और यहाँ पर डाल दिए हैं आलू और सोयाबीन की बड़ी, तो अच्छे से फ्राई करके उसके बाद में डाल दिया है पानी, और अब छोड़ देंगे पकने के लिए। तब तक हम आटा लगा लेंगे, और फिर जो है ना कि रोटियां भी हम यहीं पर सेंक लेंगे। आज भी छत पर नहीं जा पाए थे क्योंकि किसी किसी दिन जब जल्दी रहती है फिर सोचते हैं चलो यहीं पर बना लेते हैं, तो थोड़ी सी जल्दी हो जाती है, वैसे थोड़ा सा टाइम लग जाता है छत पर, और इन दिनों में हवा भी बहुत तेज़ चलती है तो छत पर थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है खाना बनाना, एकदम से धुआं सामने ही आता है, और हवा ना चले तो आँच भी जल्दी से चूल्हे में लग जाती है, और हवा चलने की वजह से आँच भी चूल्हे में जल्दी से नहीं लगती है। तो यहाँ पर बस रोटियाँ सेंकने लगे हैं, आटा काफ़ी लगाया है, चावल बिल्कुल भी नहीं बनाए हैं, क्योंकि आरोही हमारी जो है ना कि परेशान हो गई है सर्दी की वजह से, तो हम लोग अगर चावल खाएंगे तो वो भी साथ में खाएगी, तो चावल नहीं बनाए हैं, बस रोटियां ही सेंकी हैं। और आज हम आरोही की दवाई लेने के लिए भी जाएंगे, तो अभी हम लोग तैयार नहीं हुए थे, यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोग अपना काम कर रहे हैं, और इधर हम आरोही के पापा के लिए खाना भी परोस दिया था मैंने, तो आरोही के पापा खाना खा रहे थे और साथ साथ में हम रोटियां भी बना रहे थे, कि रोटियां भी बनाते जाएंगे और आरोही के पापा को खाना भी परोस देंगे तो जल्दी हो जाएगी थोड़ी सी, और फिर हम भी तैयार हो जाएंगे, जाएंगे आरोही की दवाई लेने के लिए, वहाँ का भी क्लिप आप सभी को थोड़ा सा दिखाएंगे, क्योंकि कल शाम को ज़्यादा ही कुछ आरोही परेशान हो गई थी, तो मैंने कहा चलो इनके लिए दवाई दिलवा देते हैं, और दवाई में फ़ायदा है, उतना फ़ायदा नहीं है कि जितना होना चाहिए, लेकिन अब धीरे धीरे फ़ायदा हो जाएगा। अब धूप भी हमारे यहाँ निकलने लगी है, बहुत ही अच्छे से धूप निकल रही है, और हम तैयार हो गए थे लेकिन अभी बर्तन नहीं धुल पाए थे, तो हमारी नंदत जी धुलने के लिए बैठ गई थी, वैसे तो नंदत जी की हमारी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो मैंने कहा जल्दी थोड़ा सा करवा देते हैं, हमने ये बोला था कि बाद में आएंगे तब बर्तन हम धुल देंगे, क्योंकि जल्दी थी जाने की, और बीच में फ़ोन आ गया कि मेहमान भी आ जा रहे हैं जो कि नई दुल्हन को देखने के लिए, तो फिर हमारी नंदत जी ही बैठ गई थी बर्तन धुलने के लिए, तो मैंने कहा चलो साथ में धुलवा देते हैं, उसके बाद में ही हम जाएंगे, इतनी देरी में देरी नहीं हो जाएगी, और बाकी के काम तो सारे हो चुके हैं, बस बर्तन ही धुलने बाकी रह गए थे, तो जल्दी जल्दी मैंने सारे बर्तन धुलवा दिए थे, उसके बाद में ही फिर हम गए थे आरोही की दवाई लेने के लिए। और नंदत जी की आँख आप सभी को किसी दिन पास से दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा सूजन है, एकदम से देखने में डर लगता है, और एकदम से लाल लाल आँख हो गई है हमारी नंदत जी की, तो बहुत ज़्यादा ये बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है, जैसे अगर आँख में थोड़ा सा भी कुछ पड़ जाए या कुछ निकलने लगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, नाक हुई या आँख हुई, इनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और फिर बर्तन धुल गए थे, उसके बाद में मैंने कहा बिस्तर भी घरी करके रख देते हैं, ऑटो नहीं आया था तो मैंने कहा ये काम भी कर देते हैं, फिर जब ऑटो आ जाएगा तब फिर निकलेंगे। और ये वाली मैंने बेड शीट बिछा दी थी क्योंकि वो वाली धुल दी थी, और ये वाला जो गर्म वाला जो चदरा था मतलब कंबल था वो भी मैंने बिछा दिया था, दूसरा वाला ही, वो वाले सारे कपड़े मैंने धुल कर डाल दिए थे, और ये वाले कपड़े भी सारे धुलने ही हैं, लेकिन एक दो दिन के लिए मैंने बिछा दी थी। और इधर हम आ गए थे दवाई लेने के लिए आरोही के लिए, तो आरोही के एक सुई लगी थी, आरब के भी सुई लगी थी, और दवाई भी जो है ना कि गोलियां भी दी थी, और जो है ना कि गोलियों को पीस कर खुराक बनाई थी, और ड्राप भी दे दिया था, तो अब आरोही ने आराम से दवाई भी खा ली थी, और यहाँ पर अब इनको जो है ना कि ड्राप पिलाना बाकी रह गया था, और तब तक बुआ और पापा आ गए थे मेले से, तो आरोही और आरब के लिए लेकर आए हैं खिलौने, एक आरब के लिए ये कुत्ता लेकर आई हैं बुआ, जो कि बड़े बड़े से इसमें रोंगटे ऐसे हैं एकदम से गुदगुदा सा, और आरोही के लिए एक गुड़िया लेकर आई हैं प्यारी सी गुड़िया, और देवरानी जी हमारी पहले ही चली आई थी आरब की दवा लेकर, हमें थोड़ा सा टाइम लग गया था, दीदी भी गई थी साथ में,
दवाई ली थी दीदी ने, और आरब परेशान भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे, और यहाँ पर आरोही ने पी ली है दवाई। और अब जो है ना कि दवाई 3 टाइम के लिए बताई है, तो सुबह शाम दोपहरी में पिलाएंगे दवाई 3 टाइम, तो जल्दी से आरोही को फ़ायदा हो जाएगा। और आरब को अभी फ़ायदा अच्छे से नहीं हुआ है, आरब को अभी भी सर्दी है, एकदम से जकड़न सी हो गई है, तो थोड़ा टाइम लगेगा आरब की सर्दी ठीक होने में। और यहाँ पर उस दिन जो है ना कि आरोही के पापा जो अबरी लेकर आए थे, तो बोल रहे थे कि यहाँ पर भी लगा दो, लेकिन उस दिन हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। आप सब भी समझ सकते हैं, क्योंकि इस समय हम आपके कमेंटों के भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सारे कमेंटों के जवाब देंगे, वो भी आराम से धीरे धीरे देंगे, अभी भी हमारे पास टाइम नहीं है। कपड़े वपड़े धुलने में लगे हुए हैं, तो मैंने कहा चलो आज यहाँ पर थोड़ा सा टाइम मिल गया है, तो अबरी लगा देते हैं यहाँ पर। बिल्कुल भी दीवार अच्छी नहीं लग रही है, एकदम से ख़राब हो जाती है बहुत जल्दी से। तो यहाँ पर लगा दिए हैं, 2 तख्ते मैंने लगा दिए हैं लंबे लंबे से, यहाँ पर अच्छे से चिपका दिए हैं आटे से, तो अब यहाँ पर साफ़ सुथरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। वैसे तो अखबार होते अखबार भी चिपका देते, लेकिन हमारे पास अबरी उस दिन आरोही के पापा लाए थे, तो वही मैंने चिपका दी है। तो यहाँ पर की भी साफ़ सफाई हो गई है। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक आज का ब्लॉग। हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।